अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी जो विदाउट चिकन की भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने पहले से बॉयल करने के लिए रख दिया था, 3 से 4 ग्लास पानी में बॉयल आ गया है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ नमक, 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब मैक्रोनी मैंने ली है, तकरीबन 200 ग्राम मैक्रोनी ली है और कप में है 1 कप भर के है एल्बो शेप में। तो जितने मैक्रोनी हमारी बॉयल होती है मैं फ्राई कर लेती हूँ। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके मैंने फ्राइज शेप में कट कर लिया इनको और इनके मैं फ्राई कर लूँगी फ्राइज अच्छे से। और इसमें भी शिमला मिर्च भी फ्राई होके ही जाती है इस मैक्रोनी में। ये वेजिटेबल मैक्रोनी बहुत ज़बरदस्त बनती है, इसमें फ्राई करके ही चीज़ें जाती हैं चंद। तो इतने मैक्रोनी भी हमारी डन हो गई है। इसमें मैंने जो है 1/2 कप गाजर छोटा छोटा कट करके डाल दिया। 2-3 मिनट इसी गर्म पानी में ही रहने दूंगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। फ्राइज भी हमारे रेडी हो गए, इनको निकाल लेती हूँ। शिमला मिर्च इसमें जाएगी, मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली थी, चकोर पीसीस में कट कर लिए। तकरीबन 1-2 मिनट इसको फ्राई करना है। तो बस ये फ्राई हो गई है, तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। मसाला मैं भून लेती हूँ। इसका पैन मैंने गरम कर लिया है, 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, 1 टीस्पून डाले मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भून लेती हूँ। एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लेके उस पानी ऐड करके थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। मसालों में जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और काली मिर्च भी इसमें 1/2 टीस्पून जाएगी। चिकन पाउडर 1 टीस्पून जाएगा और 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर सोया सॉस और 1 टीस्पून जाएगा सिरका। ये डालने के बाद अच्छा सा भून लेती हूँ। और चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जाएगा। ये अच्छा सा भून कर इसमें मैं बंद गोभी ऐड कर दूँगी। ये मैंने 1 कप बंद गोभी ली है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2-3 मिनट इसमें 1-2 मिनट ही तकरीबन इसको मैं अच्छा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने फ्राइज़ वगैरह ऐड कर देती हूँ जो अच्छा सा इनको मिक्स करने के बाद। अब मैक्रोनी मैंने ड्रेन कर लिया था इसका पानी, अब इसके अंदर ये ऐड कर देती हूँ और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 5 मिनट का दम पर रख दूँगी। फिर इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैक्रोनी को तकरीबन 5 मिनट हो गए, मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी वेजिटेबल मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है। इसको ज़रूर बनाइएगा, इफ्तार में भी बहुत मज़े की लगती है। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।